ऑलिव ऑयल में बनाया है। मैडम का ऑर्डर है। बस अभी तेरे खाने के टेबल से भूखा उठने के दिन आए नहीं है, तेरी माँ अभी जिंदा है। जब पहली वाली के हाथ से ही खाना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बाई से कुछ समझाइए। तू तेरी पत्नी को समझा दे, ये अपने आप समझ जाएगी। तुझे क्या हुआ? इन्होंने मेरे हाथ का बनाया खाना खाया, इसकी वजह से इनके और काव्या के बीच में झगड़ा ना हो जाए। मेरे बापूजी कहा करते थे कि मौसम के फल तो खाने ही चाहिए, पर आजकल फल इतने महंगे हो गए कि कुछ दिनों बाद ये लीची को तो फोटो में देख के खुश होना पड़ेगा। जो चीज सेहत के लिए अच्छी होती है उसे कभी कभी खा लेना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड। कभी कभी तो लौकी हमारे घर में हर दूसरे दिन क्यों आ जाती है? क्योंकि वो हेल्दी होने के साथ साथ सस्ती भी है। गीता पानी, आई एम सो टायर्ड। काव्या लीची खाओगी? मुझे खाना होगा तो मैं खुद ले आऊंगी। Such a hectic day. ये ऑफिस जाती है या रिक्शा चलाती है? वाह, आप मुझसे भी बात कर सकती हैं। तूने तो सुबह कहा था हा? कि आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर अब बात करने के लिए क्यों मरे जा रही? तुम्हें क्या वो फोमो हुआ है? फोमो? आपको फोमो का मतलब भी पता है? हाँ हाँ, जो तुझे हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान सीखने पर आए ना तो क्या नहीं सीख सकता सिवाय इस तमीज के। थैंक यू। पर कुछ लोग सिखाने पे भी नहीं सीखते। मेरे पीछे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तेरी गीता ने 4 कपड़ों के लिए 400 कपड़े जितना पाउडर डाल दिया। वनराज के बापूजी ने चश्मा मांगा या पास में पड़े थे तो इसने देने से मना कर दिया। मुझसे भी इसने झगड़ा किया, पर खाना तो ऐसा बनाया कि बेचारे मेरे वनराज के गले से निवाला उतरा नहीं। पूरे दिन बस इसकी आंखें फोन पे ऐसे चिपकी हुई थी। वाह गीता, मेरी मेड है, आप क्यों खामखा उसके पीछे? गीता साहब आ गए? हाँ वो आ गए, लेकिन खाना नहीं खाया। क्यों? मतलब मैंने जो बनाया वो नहीं खाया। वो ओलिव ऑयल में बना हुआ खाना नहीं खा पाते, अगर तुम देसी घी में बना के दोगी तो। तुम्हारी सलाह मांगी किसी ने? मांग लेती तो मोटी नहीं हो जाती। पति को भूखा रखने से तो अच्छा है ना कि पति की पसंद नापसंद जान लो। बात पति के पसंद नापसंद की नहीं हो रही है बा, बात मेरे पति की हेल्थ की हो रही है। तुम्हारे पति इनके भी कुछ लगते हैं काव्या? वो इनके क्या लगते हैं ये तो मुझे पता है, मगर वो तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुम इतना इंटरेस्ट ले रही हो? मुझे तुम में और तुम्हारे पति में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बीच में क्यों बोल रही हो फिर? मुझे इंटरेस्ट है मेरे बच्चों में, मेरे बापूजी में, मेरी बा में। और मेरी बा से कोई भी ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। यूं कब तक छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहोगी काव्या? मैं जानती हूँ तुम और मैं सहेली की तरह नहीं रह सकते, पर दुश्मन बन के रहना भी जरूरी नहीं है ना। टिपिकल अनुपमा,
हर बात पे ज्ञान। मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, बी के लिए खाना बनाना और उसे खाना खिलाना दोनों बंद कर दो अब। और अगर तुम सोच रही हो ना कि तुम अच्छा अच्छा खाना खिलाकर मेरे वी को मुझसे दूर कर दोगी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे रोज इस इल्जाम का जवाब देने में अब शर्म आती है काव्या, पर तुम्हें रोज ये घटिया इल्जाम लगाते हो, जरा शर्म नहीं आती? क्यों आए, तुम्हें दूसरों के पति पर डोरे डालने से पहले शर्म आती है? दुनिया में सब तुम्हारे जैसे नहीं होते काव्या। क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? गीता, मैं रोज तुमसे जो कहूँ ना, तुम वही खाना बनाना। ओके मैडम। वी के फिटनेस का ख्याल सिर्फ उसकी पत्नी रख सकती है। अरे जो लोग खुद फिट नहीं है वो लोग दूसरों की फिटनेस का क्या ख्याल रखेंगे? मतलब तू हमें मोटा कह रही है? माना कि तुझ में अक्कल नहीं है, पर इतनी तो समझ है ना कि आदत एक दिन में नहीं बदली जा सकती। आदत है, शर्ट नहीं है, जो पत्नी ने बोला और पति ने एक ही मिनट में ऐसे बदल दी। अरे आदत है, धीरे धीरे बदलेगी। और मर्द को अगर मन चाह खाना नहीं मिले ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। प्लीज बा, आप मेरे और मेरे पति के बीच में मत आइए। और यही बात मैं कहूँ तो कि तू मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आ। देख बेटा, कितनी भी शादी करे पर बेटे पर से माँ का हक कम नहीं होता है। तुझे अगर उसकी चिंता करने का हक है तो मुझे भी है। तू अगर वनराज को मसाले वाला खाना खाते हुए नहीं देख सकती, तो मैं भी उसे भूखे पेट नहीं देख सकती। तो साफ साफ कहिए ना कि आप मुझे और वी को कभी साथ में खुश देख ही नहीं सकती हैं। इसीलिए आप और आपकी प्यारी एक्स बहू रोज बहाने ढूंढते रहते हैं मेरे और वी के बीच में झगड़ा करवाने के। ऊपर से मैं जॉब करती हूँ, पैसे कमा रही हूँ, और घर के कामों के लिए मैंने एक मेड क्या रख ली, आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो काव्या? तुम तो चुप ही रहो अनुपमा। तुम अंदर से क्या हो और बाहर से क्या हो ना, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नाटक नहीं करती काव्या, जो बात कहनी है सीधे मुंह पे कहती हूँ, चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और मीठी बात करने का तो तुम मौका ही नहीं देती। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और बा, आप भी दो चार लीची खा लीजिए, शायद आपकी जबान में थोड़ी मिठास आ जाए। ये मैदे की कटोरी अपने आप को समझती क्या है? खुद में तो कोबरा जितना जहर भरा है और मुझे मीठी जबान का भाषण देके गई। आप शांति रखिए ना बा। इसके सामने रहते कोई शांत कैसे रह सकता है? जवा दो ने बा, अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए शांति रखिए। आप भी अच्छी तरह से जानती कि हम जितना काव्या को टोकेंगे, जितना उन दोनों के मामले में बोलेंगे, उतना ही उनके बीच झगड़ा होगा। आपके बेटे के जीवन में ही अशांति होगी। क्या आप ये चाहती है? उनकी जिंदगी है, वो संभालेंगे, जाने दीजिए। मैंने तो कई बार तुझसे तेरा पति छीना, पर तूने एक बार मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश नहीं की। इसके लिए थैंक यू। मीठी है, बिल्कुल आपकी तरह।